उच्चतम न्यायालय केंद्र सरकार बृहत सकाह दिले। उच्चतम न्यायालय बहाल रखिले केंद्र सरकार EWS व्यवस्था। तीन न्यायाधीश सपक्षे दुई न्यायाधीशर विपक्षे रायदान EWSर विपक्षे राय दिल देश मुख्य न्यायाधीशगढ़ CJI UU ललिते विरोधिता करिले। अर्थनैतिक पिछपरा संरक्षण संविधान 103 संशोधन EWS अंतर्भुक्त होइसे। संरक्षण अर्थनैतिक मापे संविधान मूल भेटी बा गाठनी उल्लंघन नकरे। न्यायाधीश दिनेश महेश्वरी ए राय अर्थनैतिकभावे पिछपरा सकल चिनाक्त करातो वैषम्यमूलक नहय मंतव्य न्यायाधीश बेला एम त्रिवेदी। स्वाधीनतार 75 बछर पिছত संरक्षण व्यवस्थार पुनरीक्षणर प्रयोजन आछे बुली मंतव्य करिले त्रिवेदीये। संरक्षण न्यस्त स्वार्थ पूरणर आहिला हुआ अनुचित बुलियो रायदान दिले न्यायाधीश देवी पार्डिवाले। संरक्षण अनंतकालले चलि থাকিব দিব নোৱাৰি বুলি মন্তব্য কৰিলে পাৰ্ডিৱালাই। 103 সংশোধনী সংবিধান উলংঘন আখ্যা ন্যায়াধীশ ৰবীন্দ্ৰ ভাট। EWS কোটা কি আসলতে? অর্থনৈতিকভাৱে পিছপৰা লোকৰ বাবে সংৰক্ষণ ব্যৱস্থা, শিক্ষা আৰু চাকৰি 10% লোকৰ সংৰক্ষণ আৰু বছৰি 8 লাখ টকাতকৈ কম আয়ৰ লোকৰ বাবে এই সংৰক্ষণ থাকে। 5 একৰতকৈ অধিক কৃষিভূমি থাকিব নোৱাৰিব, 1000 বৰ্গফুটতকৈ অধিক জোখৰ ফ্ল্যাট থাকিব নোৱাৰিব। ST SC OBC এই কোটাৰ সংৰক্ষণ নাপায়। केवल असंरक्षित वर्गर दुखिया लोकर बाबे हे संरक्षण व्यवस्था। EWS कोटा सन्दर्भत आसलते जनातो खुबेई प्रयोजनीय। अर्थनैतिकभावे पिछपरा लोकर बाबे संरक्षण व्यवस्था थाके EWS आरो शिक्षा और चाकरी 10% लोकर संरक्षण थाके। बसरी 8 लाख टकातকৈ कम आय হ'ব লাগিব আপোনাৰ আৰু বিশেষকৈ 5 একৰতকৈ অধিক কৃষিভূমি আপোনাৰ থাকিব নোৱাৰিব আৰু যদি ফ্ল্যাটৰ কথা কোৱা হয় তেতিয়ালে 1000 বৰ্গ ফুটতকৈ অধিক জোখৰ ফ্ল্যাট থাকিব নোৱাৰিব। ST SC OBC নাপায় এই কোটাৰ সংৰক্ষণ। কেৱল অসংৰক্ষিত বৰ্গৰ দুখীয়া লোকৰ বাবেহে এই সংৰক্ষণ ব্যৱস্থা। ये फैसला एक नए युग की शुरुआत कह सकते हैं कि नए जिस तरीके से ये 91 में इस तरीके का रिजर्वेशन दिया गया था, मगर 91 में जब ये इंदिरा साहनी का जजमेंट आया तो ये माना 9 के 9 जजेस ने कि जिस तरीके से आर्थिक आधार अगर आप रिजर्वेशन का लेते हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड है। उस इश्यू को उसके बाद में कभी फिर इसके बाद गुजरात में एक बार जरूर दिया गया था 10% रिजर्वेशन थ्रू नोटिफिकेशन, मगर वो भी हाईकोर्ट ने स्टेक डाउन कर दिया था। उसके बाद में SLP यहाँ पेंडिंग थी। इलेक्शन के पहले आनन फानन में 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया, जिसको आज यहाँ पे मेजोरिटी व्यू है जस्टिस महेश्वरी के साथ में जस्टिस बेला त्रिवेदी एंड जस्टिस पारदीवाला, इनके व्यू ने अपहेल्ड किया है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को।